हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस। अभी हम देखेंगे वल्कन्स ऑन वेनस। सो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द यूपीएससी आईएएस पीसीएस एसएससी के लिए। सो इस टॉपिक में हम वेनस के बारे में जानेंगे, वल्कन्स के बारे में जानेंगे एंड इससे रिलेटेड जो कि साइंटिफिक एंड जो कि वेनस का रिलेटेड सब कुछ जानेंगे। सो बेसिकली अभी रिसेंटली ये न्यूज में है। सो चलिए देखते हैं, ये जो है हमारा जो है यूपीएससी पर्सपेक्टिव में देखेंगे, ये यूपीएससी का जो है GS3 में कवर होगा, जो कि GS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसमें कवर होगा। सो चलिए देखते हैं क्या है। सो बेसिकली अभी जो कि एक रिसेंट स्टडी से पता चला है कि कौन पब्लिश किया ये रिसेंट स्टडी को, नेचर जियो साइंस। इसने क्या पब्लिश किया ना, वेनस जो है अभी स्टिल जियोग्राफिकली एक्टिव है ये, ठीक है। सो इसके बारे में जो है अभी रिसेंटली वो पब्लिश किया है। सो ये जो स्टडी किया है इसमें उसने आइडेंटिफाई किया है नियरली 37 जो है एक्टिव वोल्कन्स है। वो कैसे है वहां पे ना, इन फॉर्म ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द कोरोनी ऑन द सर्फेस ऑफ वेनस में है। सो कोरोनी फॉर्म जो है व्हेन क्या है ना, प्लूम्स ऑफ द हॉट मटेरियल डीप इनसाइड द प्लैनेट राइज थ्रू द मेंटल लेयर एंड क्रस्ट। ओके, सो मेंटल जो कि है एंड क्रस्ट के जो कि वहीं से निकलता है ये जो कि डीप मटेरियल्स जो है, ठीक है, इसको बोलते क्या है ना, कोरोनी ये बोलते। सो यहां पे हम देखेंगे क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि इनर कोर जो आप देख रहे हो सबसे जो लास्ट वाला जो है उसको क्या बोलते हैं ना, इनर कोर। ओके, सो देन क्या है ना, दिस इज द आउटर कोर, दिस इज द मेंटल, दिस इज द क्रस्ट। सो ये चारों के बारे में आज जो कि हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। सो बेसिकली पहला जो है इनर जो कि कोर है, ठीक है, कोर्स के बारे में देखेंगे। तो ये जो है इनर कोर, आउटर कोर। सो इनर कोर क्या है, आउटर कोर क्या है, उसके बारे में भी देखेंगे। सो ये जो इनर कोर है ये सबसे जो है इनर मोस्ट जियोलॉजिक लेयर है जो कि कोई भी है, जैसे कि क्या अर्थ, वेनस, ठीक है, किसी का भी, वो सबसे जो है इनर मोस्ट जो कि है जियोलॉजिक लेयर होता है। इट ये जो है प्राइमरली सॉलिड बॉल रहता है, इन कहाँ पे ना, अर्थ में रहता है, जो कि इसका जो रेडियस है नियरली 1220 जो कि किलोमीटर रहता है। ओके, सो देन आउटर कोर देखेंगे। अर्थ का जो आउटर कोर है ये कैसा रहता है ना, अर्थ का आउटर कोर इज फ्लूइड लेयर रहता है जो कि 2400 जो कि किलोमीटर थिक रहता है एंड कंपोज ऑफ मोस्टली आयरन निकेल दैट लाइज अबव द अर्थ सॉलिड इनर कोर, ठीक है। सबसे इनर कोर जो है सॉलिड रहता है, उसके बाद जो है ये फ्लूइड ले रहता है, फ्लूइड मीन्स उसमें आयरन एंड निकेल रहता है। ये जो है आउटर कोर जो है ये किसके नीचे है ना, मेंटल के नीचे है। इट्स आउटर बाउंड्री इज 2890 किलोमीटर बीनीथ द अर्थ जो कि है सरफेस। देन हम देखेंगे मेंटल देखेंगे और क्रस्ट भी देखेंगे। सो ये जो मेंटल है, मेंटल एक जो है लेयर है इनसाइड है प्लानिटरी बॉडी बाउंडेड बिलो जो कि किसके बीच में रहता है, एक तो हो गया कोर एंड क्रस्ट के बीच में जो है उसको मेंटल बोलते हैं। मेंटल सर मेड ऑफ द रॉक जो कि है और आइसेस से बना रहता है और जनरली क्या रहता है, लार्जेस्ट एंड मोस्ट मैसिव लेयर ऑफ द प्लानिटरी बॉडी रहता है। मेंटल सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लानिटरी बॉडीज दैट हैव अंडरगॉन द डिफरेंशिएशन बाय द डेंसिटी। देन हम देखेंगे क्रस्ट के बारे में। सो बेसिकली क्रस्ट क्या रहता है, क्रस्ट जो है सबसे जो ऊपर वाला रहता है सरफेस ऑफ द जो कि अर्थ का जो है उसको क्या बोलते हैं ना, क्रस्ट बोलते हैं। ओके, जो कि आउटर मोस्ट सॉलिड सेल और रॉकी प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट, नेचुरल सेटेलाइट, इट इज यूजुअली
distinguish from the underlying metal by the chemical makings. ठीक है, सो बेसिकली आप हम सिंपल वर्ड में देखेंगे तो क्रस्ट सबसे जो है अपर वाला है, सबसे आउटर मोस्ट जो है लेयर है, इसको क्रस्ट बोलेंगे. सो अर्लियर इट वॉज बिलीव दैट सर्फेस ऑफ वेनस जो है, सो चलिए यहाँ पे वेनस के पास चले आएंगे. सो वेनस जो है has no geological activity, कोई भी activity नहीं था. However, scientists have known for some times that Venus has younger surface than the planet like the Mars and Mercury, which have cold जो कि है interiors. So, so scientists क्या सोचते थे ना, यहाँ पे जो है कोई भी geological activity नहीं हो रहा है, so that ये क्या है ना सबसे younger surface है. younger surface होगा तो ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं होता, जैसे कि क्या है volcanoes वाला जो कि है eruption होता है, ये सब कुछ नहीं होता है. So basically ये क्या है ना, scientists ये इनका जो है thinking इस type का था. बट अभी जो है रिसेंटली स्टडी के हिसाब से देखिए 37 जो एक्टिव वोल्केन्स हैं. सो न्यू स्टडी विल हेल्प टू आइडेंटिफाई द टारगेट एरियाज फॉर द फ्यूचर मिशन सच एज द यूरोप्स एनविजन दैट इज शेड्यूल्ड टू लॉन्च द 2032 में यूरोप क्या है एक मिशन को भेजेगा, उसका जो नाम है एनविजन. बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनविजन के बारे में जो है, ये अभी रिसेंटली न्यूज में है. तो एनविजन जो है ये यूरोप का रहेगा, एक मिशन रहेगा. ओके, सो एनविजन का एम क्या रहेगा ना, डिटरमाइनिंग द लेवल एंड नेचर ऑफ द जियोग्राफिकल एक्टिविटी एंड सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स दैट जनरेटेड द सरफेस फीचर्स ऑफ द वेनस. सो चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं हमारा जो प्लानिटरी सिस्टम के बारे में. सो बेसिकली सन हमारा जो है ये रहता है सबसे, ये है सन हो गया, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है. ओके, नेचुरल जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है. देन आ जाएगा जो कि मरकुरी आ जाएगा, वेनस आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा, मार्स आ जाएगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. देन यहाँ पे जो है प्लूटो था, तो ये जो है ड्वार्फ प्लैनेट है. तो यहाँ पे हमारे जो है ये है नहीं अभी. ओके, प्लूटो इज नॉट इन आवर सोलर सिस्टम. सो प्रेजेंटली कौन कौन है ना, मरकुरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर से, सैटर्न से, यूरेनस से, नेपच्यून है. ओके, सबसे जो पहला जो है सन का जो है नजदीक क्या है ना, मरकुरी है. उसके बाद क्या है ना, वेनस है. उसके बाद कौन है ना, अर्थ है, देन मार्स है, देन जुपिटर है. सो यहाँ पे आप देखोगे सो बेसिकली क्या है, मरकुरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स क्या है ना, ये प्लैनेट्स जो है क्लोजेस्ट टू द सन. सो इसलिए इसको क्या बोलते हैं ना, इनर प्लैनेट बोलते हैं. सो इनर प्लैनेट में कौन आ जाएगा ना, मरकुरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स. देन आउटर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स में कौन आ जाएगा ना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आ जाएगा. ठीक है, सो वेनस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे. वेनस क्या है ना, सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है जो कि सन के पास है. एंड ये जो है एक सिक्स जो कि सिक्स्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे जो सोलर सिस्टम में. इसको भी क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं ये कि ट्विन्स जो कि अर्थ का जो है ट्विन्स है ये. ठीक है, अर्थ से ट्विन मीन्स अर्थ का जैसा इसका जो है अपीयरेंस है. सो इसलिए क्या बोलते हैं ना, अर्थ का जो है ट्विन है ये. सो ये जो है वेनस जो देखेंगे तो ये हॉटेस्ट प्लैनेट है जो कि हमारा सोलर सिस्टम में. एंड एक्सट्रीमली इसका जो टेम्परेचर है 450 डिग्री सेल्सियस एंड एसिडिक क्लाउड्स है वहाँ पे, मेकिंग इट एन अनलाइकली जो कि है प्लेस फॉर द लाइफ. जहाँ पे क्या है कोई जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा रह जाता है एंड टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वहाँ पे जहाँ है वहाँ पे कोई भी लाइफ जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना हॉट में क्या है ना वो जो लाइफ है वो क्या हुआ है नष्ट हो जाएगा. एंड सेम थिंग है
टेम्परेचर में तो एक तो लॉस हो जाएगा, दूसरा है टेम्परेचर कम हो जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर में कम हो चुकी है उसका जो है लॉस्ट हो जाएगा, एंड कम टेम्परेचर में भी लॉस्ट हो जाता है। सो एलोंग विथ यूरेनस इट स्पिन्स बैकवर्ड्स। सो यूरेनस जैसे क्या है ना, इसका स्पिन जो है ये बैकवर्ड्स करता है, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी बैकवर्ड करता है वेनस। With respect to the other planets, that is the sun rises in the west and sets in the east. So यहाँ पे जो है आपको confusing करने के लिए जो कि statement में दे देगा कि earth में जैसे क्या है, sun जो है ये east में क्या है निकलता है, rises होता है, and west में क्या है ना डूब जाता है, sunset होता है। But यहाँ पे जो है Venus में आप देखोगे इसका जो है opposite रहता है, sun जो है rises करता है west में and set होता है ईस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजिंग वाला जो स्टेटमेंट है। सो अलोंग विथ मरकुरी देखेंगे इट हैज नो मून्स एंड नो रिंग्स। सो इतना ही था, थैंक यू, दैट्स ऑल।